क्वेश्चन नंबर 20 सेज, व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज आल्सो गिवन इन द वायर एंड वी नीड टू फाइंड आउट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. सो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस एंड करंट में एक रिलेशन तो हमारे पास है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, जिसमें आई को हम लोग लिख सकते हैं ए वी डी, एनी ए क्रॉस सेक्शन है, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं हम लोग रो एल अपॉन ए. तो यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यूज इसमें पुट करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 5 हो गया, वी डी हमको दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है और लेंथ ऑफ वायर है 0.1. तो यहां से अगर हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं 0.5 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 8 10 टू द पावर 28 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू 0.1, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओम मीटर. तो हमारा क्लोजेस्ट आंसर इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा.